नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटका मंत्रा में। दोस्तों, टोटका मंत्रा में आपके लिए आपके निजी ज़िंदगी के मददगार, आपके निजी ज़िंदगी के सफलता के लिए बहुत ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, चाहे वो लव के ऊपर हो, चाहे वो आपके पति पत्नी के ऊपर हो, चाहे वो आपके करियर ग्रोथ के ऊपर हो। तो टोटका मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, आपने किसी से शादी की, ठीक है, आप किससे प्यार करते थे और आपने उससे शादी की है, ठीक है। स्पेशली ये वीडियो जो है महिलाओं के लिए है, और आपके पति जो है वो शादी के एक दो महीने बाद किसी दूसरी महिला से प्यार करने लग जाते हैं। आपने बहुत ख्वाब सजाए थे, उम्मीदें बांधी थी कि शादी के बाद ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ये होगा, वो होगा, और ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो किसी दूसरी महिला के प्यार में फंस जाते हैं, किसी दूसरे महिला से प्यार प्रेम रोग उनको लग जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि पहली बात तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा पूरे वीडियो के दौरान, कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें कि ऐसा क्यों है और इसका क्या उपाय है। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं वो होता है कि किसी कुछ टोटका, कुछ जादू, ऐसी चीज़ें इंसान के ऊपर हो जाते, दिमाग फिर जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेम रोग में किसी और के लिए फंस जाता है, ठीक है। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके पति आपकी उंगलियों पे नाचेंगे, आपके वश में होंगे, आपसे प्यार करेंगे और ज़िंदगी भर सिर्फ आपके बाहों में रहेंगे। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी और आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बहुत लाते हैं, प्रतिदिन लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको किसी एक एकांत प्लेस पे जाना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपको देख ना सके और शांति हो जहाँ पे। और उसके बाद आपको ये उपाय करना है कि आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ में किसी भी रंग के स्याही से, यानी किसी भी रंग के पेन से आपको अपने पति का नाम लिखना है, जिस प्रेमिका से वो जिनसे वो मतलब प्यार करते हैं उनका भी नाम लिखना है, उसके ऊपर सिंदूर बिखेर देना है, और आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो भी 1151 बार। मंत्र होगा दोस्तों ओम करीम नमः। इस मंत्र को आपको 1151 बार जाप करना है। अब देखेंगे कि कैसे आपके पति आपके प्यार में वापस आते हैं, उस औरत से दूर होके। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।